जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं श्यामवीर तालियान और स्वागत है आपका तालियान फिटनेस में। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ट्राइसेप मसल की कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आप बिना जिम के अपने घर पर भी कर सकते हो। दोस्तों ट्राइसेप मसल और बाइसेप मसल अगर आपकी अच्छी है तो जब आप हाफ शर्ट या टी शर्ट पहनते हो तो आपकी बॉडी में एक अलग ही अट्रैक्शन बनाती है, और जब आप बाइक पर या साइकिल पर बाहर जाते हो तो आपकी ट्राइसेप मसल आपकी बॉडी में चार चांद लगा देती है। और जब आप चेस्ट की या शोल्डर की एक्सरसाइज करते हो, अगर आपकी ट्राइसेप मसल मजबूत है तो आपको हैवी वेट लिफ्ट करने में बहुत मदद करती है। तो दोस्तों ट्राइसेप एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो आप ट्राइसेप एक्सरसाइज चेस्ट के साथ में भी कर सकते हो, शोल्डर के साथ में भी कर सकते हो और बाइसेप के साथ में भी कर सकते हो, और इसको सिंगल भी आप ट्रेन कर सकते हो। तो दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप 5 मिनट कम से कम वार्म अप जरूर करें। और दोस्तों पहली एक्सरसाइज हम करेंगे ट्राइसेप किकबैक, और सेट यहाँ पे आप किसी भी एक्सरसाइज के 3 जरूर करें, और रेपिटेशन आप अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो। लेकिन अगर आपको मसल बिल्ड करना है, अगर आपको साइज बढ़ाना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रेपिटेशन 12 10 8 6 या फिर 14 12 10 8 रेपिटेशन रख सकते हो। आपको 14 से कम रेपिटेशन रखने हैं। सबसे पहले मैं करूंगा ट्राइसेप किकबैक, क्योंकि कई बार ऐसा मुझे भी हुआ है जब मैं शुरुआत में ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन या फिर ट्राइसेप लेइंग करता हूं तो मेरी एल्बो में पेन हो जाता है, और जब मैं ट्राइसेप किकबैक करता हूं तो ऐसा मुझे नहीं होता। तो दोस्तों कारण है, ट्राइसेप अगर आप ओवरहेड एक्सटेंशन करते हो या फिर लेइंग ट्राइसेप करते हो तो आपकी एल्बो पर सीधा लोड आता है। अगर आप शुरुआत में ऐसी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी एल्बो पर सीधा लोड आता है, और जिससे आपकी एल्बो में इंजरी के चांस बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं सलाह दूंगा आप सबसे पहले करें ट्राइसेप किकबैक। इसमें हमारी एल्बो पर सीधा लोड नहीं आता और हमारे ट्राइसेप और एल्बो हमारी वार्म अप भी ठीक से हो जाती है। इसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ट्राइसेप किकबैक में हम अपनी बॉडी को जमीन से 90 डिग्री पर रखेंगे और ऐसे अपने ये अपर आर्म को, बाइसेप ट्राइसेप को अपनी बॉडी से टच करके ऐसे, और अपने लोअर आर्म को ऐसे पीछे धकेलते हुए किक मारेंगे, बैक में किक मारेंगे ऐसे, और स्लो डाउन सांस भरते हुए किक, बैक में किक मारना है ये ऐसे स्लो डाउन। आपको ध्यान रखना है कि आपके अपर आर्म यानी कि बाइसेप ट्राइसेप ये सीधे रहेंगे, शोल्डर के सीधे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ज्यादा डाउन नहीं आएंगे। नीचे डाउन आएंगे तो आपको अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपको ये अपनी बाइसेप ट्राइसेप अपनी बॉडी के सटा के रखना है बॉडी से, और लोअर आर्म से अपने पीछे किक मारना है ये ऐसे सांस भरते हुए। ये ऐसे करना है, कोशिश करना है 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, ये ऐसे। तो दोस्तों ये थी किकबैक एक्सरसाइज, और इसके बाद हम करेंगे लेंग ट्राइसेप कैसे करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर बेंच नहीं है तो हमने तकिए का इस्तेमाल किया है बेंच की जगह, ताकि हमारी प्लेट नीचे ना लग पाए, जमीन टच ना करे, हमारे हम जमीन से थोड़ा ऊपर रहे। तो दोस्तों कैसे करना है इसको, इसमें हमारे हाथ हमारे शोल्डर की दूरी के बराबर रहेंगे, हमारे हाथों की ग्रिप हमारी शोल्डर की दूरी के बराबर रहेगी, और को ऐसे भी पकड़ सकते हो या फिर आप ऐसे भी पकड़ सकते हो।
दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपके रिस्ट सीधे रहेंगे, आपके रिस्ट ऐसे मुड़े नहीं होंगे। तो दोस्तों सांस भरते हुए वेट को नीचे लेके आएंगे, ये यहां से डाउन आपको नहीं जाना है। अगर आप यहां से ज्यादा डाउन जाते हो आपके एल्बो में इंजरी के चांस हो सकते हैं। आपको रिस्ट ऐसे सीधे ही रखने हैं, लड़के करते हैं रिस्ट को ऐसे रखते हैं, तो ऐसे आपको अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा और ज्यादा हैवी वेट भी आप लिफ्ट नहीं कर सकते ऐसे। तो दोस्तों ऐसे रिस्ट रखने हैं, ग्रिप ऐसे भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो, यहां से ज्यादा आपको डाउन नहीं आना है। सांस भरते हुए डाउन आएंगे और ऊपर हाथ सीधे करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे, ये ऐसे करना है। इसको आप बारबेल से भी कर सकते हो या फिर आप इसको डंबल से भी कर सकते हो, ऐसे आप इसको डंबल से भी कर सकते हो, ये ऐसे। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे वन आर्म डंबल एक्सटेंशन। कैसे करना है ये, हम अपनी गर्दन को सीधी रखेंगे और अपने बाइसेप मसल को अपने कान से सटा कर रखेंगे और सांस भरते हुए डंबल को नीचे लेके आएंगे और ऊपर जाते हुए सांस को बाहर निकाल देंगे, ये ऐसे। इसमें ध्यान रखना है कि आप डंबल को ज्यादा नीचे नहीं लेके आएंगे, डंबल को उतना ही नीचे लेके आएंगे कि जब तक आपके बाइसेप्स के और फोरआर्म्स के बीच में 90 डिग्री का कोण ना बन जाए। इससे अगर आप ज्यादा डाउन लेके आते हो तो आपके एल्बो में इंजरी के चांस बन सकते हैं। आप डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन भी कर सकते हो, ये ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन भी बोल सकते हो आप इसको, ये ऐसे करना है। डंबल को ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे, नहीं तक आपको लेके जाना है जहां तक आपके बाइसेप्स के और फोरआर्म्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए। ये सांस भरते हुए डंबल को नीचे लेके आना है और ऊपर जाते टाइम हाथ सीधे करके सांस बाहर निकालना है, ये नंबर की एक्सरसाइज हम करेंगे ट्राइसेप पुशअप। दोस्तों कैसे करना है इसको, ये हम करते हैं चेस्ट पुशअप। चेस्ट पुशअप में हाथों की चौड़ाई हमारी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे ट्राइसेप पुशअप। ट्राइसेप पुशअप में हमारी हाथों की चौड़ाई इतनी होगी कि हमारे ये अंगूठे आपस में मिले हों, ये ऐसे। और इसमें हम बॉडी को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। चेस्ट पुशअप में हम बॉडी को रखते हैं, चेस्ट पुशअप में हम अपने हाथों को शोल्डर के बराबर रखते हैं, लेकिन हम ट्राइसेप पुशअप में हाथों को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, ये ऐसे। ये ऐसे चेस्ट के लिए जब हम पुशअप करते हैं तो हम अपने हाथों को अपने आर्म को शोल्डर के बराबर रखते हैं, ये ऐसे। और जब हम ट्राइसेप पुशअप करते हैं इसमें हम अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, ये ऐसे। ये सांस भरते हुए डाउन जाएंगे और ऊपर आके सांस बाहर निकालेंगे, स्लो डाउन जाना है। पांचवी एक्सरसाइज आप कर सकते हो बैक डिप्स। कैसे करना है इसको, इसके लिए आप, आपके पास अगर कोई बेंच है तो आप बेंच लें, मेरे पास चारपाई है तो मैं चारपाई का इस्तेमाल करूंगा और आपको
लगभग 2.5 या 3 फीट ऊंचे ऐसा कोई स्टूल या बेंच लेंगे जिसके ऊपर आप अपने पैर रख सकते हैं। और हाथ हमारे, आर्म हमारे होंगे हमारे शोल्डर की दूरी के बराबर, और सांस भरते हुए हमें स्लो डाउन जाना है ये, और स्लो अप आना है। सांस भरते हुए स्लो डाउन जाएंगे और स्लो ही अप आएंगे। आपकी बैक, आपकी पीछे बेंच से या फिर चारपाई से सटकर सटी हुई होगी, नीचे सटकर जाएगी, नीचे टच होकर जाएगी, ऐसे करना है। सांस भरते हुए डाउन जाना है और ऊपर आके सांस बाहर निकाल देना, ऐसे करना। अगर आपके रेपिटेशन ऐसे ज्यादा होते हैं तो आप अपने पैर पर कुछ वेट या किसी बच्चे को भी बैठा सकते हो। यस, थोड़ा आगे हो बेटे, थोड़ा आगे। यस, और सांस भरते हुए डाउन जाएंगे और ये अप, ऊपर आके सांस बाहर निकालना है। यस, और ध्यान रखें आप यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, नहीं तो आपके एल्बो में इंजरी हो सकती है। ऐसे करना है। तो दोस्तों ये थी ट्राइसेप मसल की 5 ऐसी एक्सरसाइज जो आप अपने घर पे कर सकते हो, बिना जिम के कर सकते हो। तो दोस्तों अगर एक्सरसाइज अच्छी लगे तो फॉलो करो और लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।